देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाई है बंगाली मिठाई संदेश। दिवाली के दिन आ रहे हैं तो हम तरह तरह की मिठाई बनाएंगे, तो उनमें से एक मिठाई ये भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी हल्के मीठे की और बहुत टेस्टी मिठाई होती है। और मैंने वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए हैं, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उन टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके संदेश देखिए जैसे मेरे बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं ऐसे ही आपके बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं संदेश। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका और अब मिठाई सबसे ज़्यादा सबके घरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और हम घर में ही बनाते हैं तो बहुत ही साफ शुद्ध टेस्टी बनती हैं। तो आज उसी सीरीज़ में मैं बना रही हूँ काचा गोला, बंगाल का काचा गोला। आपने गोले तो बहुत खाए होंगे, बर्फ़ के गोले, लड्डू खाते हैं, तरह तरह के गोले बने आते हैं, लेकिन ये आज हम बना रहे हैं बंगाल का काचा गोला, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी मिठाई है जो दो इंग्रेडिएंट से बन जाती है। ऐसी मिठाई जो दो इंग्रेडिएंट से बन जाए वो कितनी टेस्टी होती है और जिसने खाई होगी वही जानता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं काचा गोला। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए पनीर, ये पनीर मैंने अभी ताज़ा बनाया। चलिए आज हम बनाते हैं बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई काचा गोला। दिवाली आने वाली है तो उस पर हम तरह तरह की मिठाई बनाएंगे, तो उसमें एक मिठाई हम ये भी बनाएंगे जो बहुत ही अलग सी और बहुत टेस्टी लगती है। बंगाली मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कम मीठे की और बहुत टेस्टी होती हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं बना रही हूँ आज बंगाल का काचा गोला। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। ये मैंने 1.5 किलो दूध का पनीर बनाया, आप इसमें कोई भी दूध ले सकते हैं, भैंस का, गाय का। वैसे अधिकतर यही कहते हैं कि गाय का दूध हो तो उससे, लेकिन मैं अक्सर, मेरे पास गाय का दूध नहीं होता, मैं भैंस के दूध से ही बनाती हूँ। बस इतना हो जाता है कि उसकी मलाई उतार देती हूँ, लेकिन अगर आप बिना मलाई उतारे भी बनाएंगे तो भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। ये मेरा छेना है, इसके मैं दो पार्ट कर लूँगी। ये एक पार्ट को हम रख लेते हैं और एक पार्ट को क्रश करके सॉफ्ट सी और बहुत, इसमें कोई कलर नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। और इसमें मैं डालूँगी पिसी चीनी, आप पिसी चीनी नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और इसको हम भून लेंगे। भूनने में हमें कलर नहीं लाना है, केवल भूनना है इसको। ये देखिए पनीर को बहुत हल्की आंच पे हमें इसे भूनना है, भूनने से मतलब चीनी का पानी सुखाना है, केवल इतना भूनना है। ये दो तरह से बनाई जाती है, एक में मावा मिक्स किया जाता है और गुड़ से बनाई जाती है, बंगाल का जो गुड़ होता है, अलग ही टेस्ट होता है उस गुड़ का, उससे बनाई जाती है, लेकिन मैं चीनी डाल के बना रही हूँ, इसमें हम मावा नहीं डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मावा, और सॉरी मावा कह रही हूँ, पनीर का कलर भी चेंज नहीं हुआ और पानी, चीनी जो हमने डाली थी उसका पानी भी सूख गया। ये देखिए अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। पनीर बनाने की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी कई बार शेयर की है, इसलिए मैंने ये इस समय आपको पनीर बनाते नहीं दिखाया, लेकिन इसका पनीर देखिए बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इतना सूखा होना चाहिए। अच्छे से धोएं, खटास पूरी निकाल दें। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए जो अभी हमने पनीर पकाया था इसको भी इसी में डाल देंगे, और इसको हाथ से जैसे हम रसगुल्ले बनाने के लिए मलते हैं बिल्कुल हमें उसी ढंग से इसको मलना है, बिल्कुल स्मूथ करना है हमें इसको। इसमें कोई भी पनीर का दाना नहीं रहना चाहिए, एकदम से स्मूथ करना है। कुछ लोग इसे मावा मिला के भी बनाते हैं, लेकिन काचा गोला या संदेश इसी तरह से बनाया जाता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम हथेलियों से अच्छे से रब करेंगे, बिल्कुल स्मूथ दाना ना रहे इस तरह से। और पनीर बनाने की रेसिपी मैंने आपसे कई बार पहले भी शेयर की है, इसके लिए पनीर हमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ऐसा पनीर चाहिए जैसे कि रसगुल्ले बनाए हमने, उसमें भी हमने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ दिया था। इसको आप मोल्ड्स में भी बना सकते हैं, उनके तो लकड़ी के मोल्ड्स आते हैं,
बंगाली संदेश बनाने के, शंख के आकार के, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में भी। ये देखिए मेरा काफ़ी स्मूथ हो गया डो, मेरे को देर हो गई मलते हुए, लेकिन अभी भी मुझे इसमें दाना लग रहा है। देखिए कोई कोई बीच में दाना है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से मलेंगे। और इसमें आप चाहें तो केवड़ा जल, गुलाब जल, वनीला एसेंस, इलायची पाउडर, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डालूंगी गुलाब जल, ये मेरी घर की बना हुआ ही गुलाब जल है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल प्योर है। और देखिए रखे रखे ही अपने आप सूख गया, जबकि हम बाज़ार से जो लाते हैं उसमें वो ऐसे के ऐसे रखा रहता है, मतलब एसेंस ही मिले होते हैं जिस वजह से वो सूखता नहीं है। और ये मेरी पूरी बॉटल थी, देखिए कितनी सी रह गई, और फ्रिज में रखा हुआ है मैंने इसको, लेकिन खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती इसकी, कितनी ज़बरदस्त खुशबू है। अब इसको ये डाल के भी हम अच्छे से मलेंगे, जो पूरे पनीर में हमारे गुलाब की खुशबू आ जाए। ये देखिए लगभग पनीर हमारा तैयार हो चुका लड्डू बनाने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और मल लूँ। ये हुआ मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने जो चीनी वाला, चीनी में भुना था पनीर, उस पनीर को मैंने खुला ही छोड़ दिया और काम में लग गई, तो वो थोड़ा सूखा सूखा हो गया, इस वजह से इसमें दाना ज़्यादा आ गया, जो कि मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत इसको मलने में करनी पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मुझे करनी पड़ रही है अपनी गलती की वजह से। इस बात का आप ध्यान रखें कि ठंडा होना रखें जब उस पनीर को, तो उसे ढक के रखें, जिससे कि उसमें सूखापन ना आए, दाना सूख ना जाए उसका। हेल्दी मिठाई, अगर आप पनीर बाज़ार से ले रहे हैं तो आपको पनीर बनाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी ये सजेशन है आपको कि त्यौहार के दिनों में हर चीज़, मावा, पनीर, सब केमिकल्स वाले मिलते हैं, तो घर में बनाइए अपने पनीर, चाहे थोड़ा बने चाहे ज़्यादा, जैसे मैं थोड़े थोड़े की बना लेती हूँ। जिस कारीगर ने ये पहली बार बनाई होगी मिठाई, सोचिए उसने कितना दिमाग लगाया होगा, कितनी मेहनत करी होगी इस मिठाई को बनाने में। चलिए अब हम इसे अपने संदेश बना लेते हैं। ये लिया मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर। पनीर मेरा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही पनीर चाहिए। अब आप छोटे बड़े जैसे भी इसकी शेप बनाना चाहें उस तरह से बनाएं। आपके पास मोल्ड है तो आप उसमें बनाइए। तो हमारा कितना स्मूथ सा बॉल बन गया है, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल स्मूथ सा बॉल बनाइए। और इसको हम मिल्क पाउडर में कितने बढ़िया हमारे संदेश तैयार हो रहे हैं। मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैं इसलिए इसको इस तरह से ही लड्डू बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको केक की तरह टिन में रखिए, सेट कीजिए थोड़ा और पीसेस काट लीजिए, बर्फी की तरह पीसेस काट लीजिए, लेकिन ज़्यादातर ये संदेश या तो इस तरह से लड्डू बने मिलते हैं या फिर वो मोल्ड के बने हुए संदेश मिलते हैं। ये देखिए बातों बातों में सारे संदेश तैयार हो गए, मैंने ये लड्डू की शेप में बनाए हैं। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे। आप इसे मिल्क पाउडर में रोल कर सकते हैं, और नहीं तो जो कोकोनट का डेजिकेटेड कोकोनट होता है आप उसमें भी इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन मुझे डेजिकेटेड कोकोनट से कोट किए हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैं मिल्क पाउडर में भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है, वरना मैं सिंपल ही रखूँगी। अब मैं आपको कुछ टिक्स और टिप्स देती हूँ कि जिससे कि हमारा संदेश बने जैसा होता है। जब भी आप दूध को फाड़ें, पहले दूध को बॉइलिंग पॉइंट पर आने दें, जैसे ही दूध उबलने लगे फ्लेम को ऑफ कर दें। और वैसे तो आप इसको नींबू से भी फाड़ सकते हैं, अगर नींबू से फाड़ रहे हैं तो नींबू का रस निकाल लें और उसमें उससे 2 गुना पानी 3 गुना पानी मिला के तब उसको रस को धीरे धीरे डालें। और अगर आप सिरके से फाड़ रहे हैं तो भी 1 चम्मच सिरका 3 चम्मच पानी। अगर आप एकदम से ज़्यादा डाल देंगे, सादा सिरका बिल्कुल डाल देंगे, तो दूध के बड़े बड़े से
थक्के बन जाएंगे। और पनीर सॉफ्ट वही होता है जो धीरे धीरे फटता है, छोटे छोटे दानों में फटता है। अगर आप इन ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपका संदेश हमेशा बहुत सॉफ्ट रसगुल्ले बनाएं, संदेश बनाएं, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, वरना लड्डू जैसे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं थोड़े, वैसे बनेंगे। तो मिठाई की सुंदरता को और स्वाद को ध्यान में रखते हुए आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। और जो हमने चीनी से पकाया था उसको भी ध्यान रखिए कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना कलर चेंज हो जाएगा। सिर्फ चीनी का पानी सुखाना है, वो भी बहुत हल्की आंच पे। देखिए बातों बातों में हमारी संदेश तैयार हो गए। अब मैं इनको आपको, आप देखिए कितने स्मूथ, कितने सॉफ्ट हमारे संदेश तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। अब ये मैंने थोड़ा सा दूध में केसर को भिगो दिया था गर्म दूध में, चाहे तो आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं, इस पर केसर के स्टेम्स लगा दें। केसर ही ज़्यादातर डालती हूँ, टेस्ट भी लाजवाब और देखने में भी सुंदर। और इस पर थोड़ी सी पिस्ते की कटिंग, ज़रूरी नहीं है खाली पिस्ते की कटिंग भी लगा सकते हैं आप। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।